अगर आप जियो सिम यूज करते हैं, जियो सिम के यूजर हैं, तो आपको अब तक नहीं पता होगा जियो फ्री में आपको इतनी सारी सर्विसेज देता है जिनका फायदा आपने अब तक नहीं उठाया। जियो फ्री कंप्लीट ऑफर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और उन सभी सर्विसेज के बारे में जो जियो आपको देता है मगर आपको अब तक नहीं पता। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। जियो फ्री कंप्लीट ऑफर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जियो ने ऑफिशियली किसी को भी नहीं बताया, जिन लोगों को पता है वही लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले मेरे साथ खुद ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 से 4 सिम है, तो मैंने जियो के सिम में रिचार्ज नहीं करवाया पिछले 2 महीने से। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जब मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मैंने 2 महीने से जियो के सिम में रिचार्ज नहीं करवाया था। तो एक दिन मैं अपने दूसरे सिम में नेट चला रहा था मगर मैंने जियो का सिम का नेट ऑन कर दिया गलती से। अब जब जियो का सिम का नेट ऑन करा तो मेरा नेट चलने लगा जबकि मेरा प्लान जियो में खत्म हो चुका था, 2 महीने हो चुके थे प्लान को खत्म हुए और मैंने 2 महीने से रिचार्ज नहीं करवाया था जियो का। मेरे दूसरे सिम से नेट चल रहा था मगर मैंने शिफ्ट कर दिया गलती से जियो पे, तो जियो का नेट अचानक काम करने लगा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, प्लान तो एक्सपायर है तो कैसे काम कर रहा है। तो उसी नेट को मैं लगभग यूज करता रहा 15 दिनों तक, अनलिमिटेड इंटरनेट मेरा चलता रहा 15 दिनों तक। 15 दिन के बाद अपने आप वो रुक गया, इंटरनेट नहीं चला, तो फिर मैं दूसरे सिम से चलाने लगा। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, 15 दिन तक मैंने अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, हर वो चीज फास्ट इंटरनेट से चलाई जो मैं चला सकता था, बिल्कुल वसूल करा उसे। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, सबूत दिखाया, आई बटन पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पे कमेंट्स भी पढ़ लेना लोगों के, काफी लोगों का चला मगर सबका एक जैसा नहीं चला। किसी का 5 दिन चल रहा है, किसी का 3 महीने, किसी का 1 महीने। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि सबका अलग अलग चल रहा है? तो मैंने इसका जवाब वीडियो में दिया था कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कि किसका कितने दिन चलेगा, किसका कब एक्टिवेट होगा। जरूरी नहीं है कि मैंने 2 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाया तो आप भी नहीं करवाओगे तो आपका 2 महीने के बाद चलने लगेगा। किसी भी दिन चल सकता, किसी किसी का 1 महीने के बाद चलने लगा, किसी किसी का 1.5 महीने के बाद चलने लगा, तो ये किसी भी दिन एक्टिवेट हो जाता है। तो समझदारी इसी में है कि आपके पास अगर जियो का एक सिम नहीं है, मल्टीपल सिम है आपके घर में, जियो के एक से ज्यादा सिम है और आप एक मेन सिम है आपका जिसमें आप रिचार्ज करवाते ही करवाते हो, क्योंकि रिचार्ज नहीं करवाओगे तो कॉल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो मेन सिम है जिसका जिसमें आप रिचार्ज करवाते ही करवाते हो, मगर अगर आपके घर में जियो का एक से ज्यादा सिम है और आपने काफी दिनों से उस दूसरे जियो के सिम में रिचार्ज नहीं करवाया अपने घर में, तो आप उसको अपने फोन में डाल के इंटरनेट खोल के ट्राई कर सकते हो। अगर चलेगा तो वेल एंड गुड है और ना चले तो रोजाना ट्राई करते रहना नेट खोल के कि चल रहा नहीं चल रहा। जिस दिन चलेगा उस दिन समझ लेना ये चलने लगा और लगातार उसको यूज करते रहना, हो सकता है आपका 1 महीने तक चल जाए फ्री का इंटरनेट। तो काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने ये अपडेट दी थी वीडियो में, लोग इसे ट्रिक समझ रहे थे, ये ट्रिक नहीं थी, ये एक सर्विस थी जो जियो के यूजर्स को मिलती है मगर जियो ऑफिशियली नहीं बताता क्योंकि लोग तो रिचार्ज करवाना बंद कर देंगे ऐसे। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि हम रिचार्ज नहीं करवाएंगे हमें फ्री का इंटरनेट मिलेगा। नहीं, आप रिचार्ज अगर नहीं करवाते, मजबूरी आपकी कोई या फिर आपके घर में मल्टीपल सिम है, एक से ज्यादा सिम है और आप एक सिम में करवाते हो, एक सिम में आपने काफी लंबे टाइम से नहीं करवाया तो वो सिम में आपका चलने लगता है फ्री इंटरनेट, मगर वो कब चलता है, कौन से दिन चलता है ये कोई बता नहीं सकता, वो कभी भी चलने लगेगा, कितने भी दिन तक चलेगा। तो ये अपडेट मैंने आपको दी है, अब आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रिचार्ज मत करवाओ अपने सिम में, जो आपका मेन सिम है जिससे आप इंटरनेट यूज करते हो, घर में वाईफाई अगर आपके नहीं है, जिनके घर में वाईफाई है उन्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, अनलिमिटेड चलता है, मगर आपके घर में अगर वाईफाई नहीं है, आप एक सिम में रिचार्ज करवाते हो और दूसरा सिम खाली पड़ा है आपका, उसमें जियो का सिम है वो और आपने काफी दिनों से उसमें रिचार्ज नहीं करवाया, तो आप एक बार ट्राई करके देखो, तो हो सकता है आपका फ्री का इंटरनेट चल जाए। मैंने उस वीडियो में सबूत के साथ बताया है, मैंने खुद चलाया है और सारी चीज आपको बताई है, तो उस वीडियो को आप चेक करिए, उसमें कमेंट चेक करिए, इसी वीडियो के नीचे भी काफी सारे कमेंट्स आएंगे कि हमारा भी चल रहा है। अब मैं आपको बाकी सर्विसेज के बारे में बताता हूं जो जियो फ्री देता है और आपको अब तक नहीं पता। अगर आप ऐसे यूजर हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो इंटरनेट बहुत तेजी से खर्च कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 149 रुपीज का रिचार्ज करवाया जियो में, 1 महीने की आपको 1 महीने का प्लान पड़ा, अब 1 महीने के प्लान में आपको 1 GB मिलता है पर डे 149 में, अब वो 1 GB हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है आपको, उसके बाद 1 GB जब आप यूज कर लेते हो उसके बाद वो स्लो हो जाता है। तो अगर आपने वो 1 GB दिन में यूज कर ली, अब शाम और रात बाकी है, आपको अगले दिन जब सुबह के 12:30 बजे मिलेगी, मतलब अगले दिन AM 12:30 AM पे या 12:20 AM पे वो दोबारा MB मिलेगी आपको, रिन्यू होगी, मगर जब तक आप यूज नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, आपको एड ऑन MB लेनी पड़ेगी, मतलब एड ऑन डाटा पैक लेना पड़ेगा, तो आपको 11 रुपए 21 रुपए ऐसे खर्च करने पड़ते हैं। तो जियो ने यहाँ पे उन लोगों के लिए जो लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं उनकी GB दिन में ही खत्म हो जाती है जो वो लेते हैं पैक के साथ, तो उनके लिए इंट्रोड्यूस करा, निकाला उनके लिए कि इमरजेंसी डाटा लोन,
माय जियो एप्लीकेशन को जब आप खोलेंगे तो मेरे काफी भाई ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता इस बारे में, तो जियो जो है अपनी तरफ से आपको 5 वाउचर देती है एज अ लोन कि आप अभी ले लो और पे आप तब करना जब आपकी वैलिडिटी पैक की खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो जो वाउचर आपको देती है वो तभी तक वैलिड होते हैं जब तक आपकी पैक की वैलिडिटी है। जैसे कि मैंने 149 का रिचार्ज करवाया, उसकी वैलिडिटी एग्जांपल के तौर पर 24 दिन है, तो अगर मैंने मेरे 10 दिन निकल गए थे ऑलरेडी, मैंने 10 दिन यूज कर लिया था, अब 11वें दिन ऐसा हुआ कि मैंने 1 GB दिन में उड़ा दिया, अब मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा स्लो इंटरनेट चल रहा है, तो अब जो मेरे बचे हुए दिन है 14 दिन जो बचे हैं, तो मैं वो वाउचर लूंगा तो वो 14 दिन तक वैलिड रहेगा जो मैं लूंगा। जैसे मैंने 11 का एक वाउचर ले लिया, तो 11 का जो मैंने वाउचर लिया वो एक्टिवेट हो गया, अब एक्टिवेट होने के साथ मैंने उसे यूज करा, उसमें से थोड़ी MB बच गई, तो वो वैलिड तब तक रहेगा जब तक मेरा पैक की वैलिडिटी रहेगी 14 दिन जो बची हुई है। अगर मैं शुरुआत में लेता हूं तो वो पूरे 24 दिन तक चलेगा, तो जब तक आपकी पैक की वैलिडिटी है वो वाउचर जो आप लोगे डाटा लोन की उसकी भी वैलिडिटी होगी। तो आपको रिचार्ज तब करना होता है जब आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाए पैक की। इसका मतलब 11 रुपए का एक होता है तो 5 होते हैं 55 रुपए के, तो 55 रुपए तक का लोन, 55 रुपए तक का डाटा जियो आपको दे देती है कि अभी ले लो, हमें बाद में पैसे दे देना, तुम्हारी जरूरत अभी है, तुम अपनी जरूरत पूरी करो और बाद में हमें पैसे दे देना। अब आप माय जियो एप्लीकेशन स्क्रीन पर आपकी आ रहा है, आपने देखा होगा, आप 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, किसी किसी को स्क्रॉल करोगे नीचे भी मिल जाता है बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि आपको डाटा लोन चाहिए तो आप ले सकते हो अगर आपका डाटा खत्म हो गया तो आप 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करोगे, इमरजेंसी डाटा लोन पे जाओगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, वहां पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे आप फिर ले सकते हो अपने हिसाब से 5 वाउचर। अब लोगों का ये सवाल आता है कि अगर हम 5 वाउचर ले लेते हैं, ये 11 11 कर करके हमने 5 निकाल लिए, अब हम पेमेंट नहीं करते इसकी, हम नहीं देते जियो को वापस पैसे, तो क्या होगा? देखिए, अगर आप लंबे समय तक जियो को वापस नहीं करोगे, अब जियो आपको टाइम तो दे रहा है कि जब तक आपकी पैक की वैलिडिटी जब तक यूज कर लो उसके बाद पे कर देना, आपने और भी दिन थोड़े ले लिए कुछ नहीं कहा जियो ने, मगर आपने कुछ ज्यादा ही लंबे समय ले लिया 2 महीने 2.5 महीने, तो ये होगा कि 55 रुपए में जियो का कुछ नहीं जा रहा, एक यूजर को 55 रुपए तक का ही तो डाटा लोन मिल रहा है। अगर वो रीपे नहीं करता, उसे अमाउंट वापस नहीं करता जियो को, तो जियो वो वाला ऑप्शन इमरजेंसी डाटा लोन का उसके पास से ले लेगी वापस, तो उससे माय जियो ऐप में शो नहीं होगा, तो जिंदगी में वो यूज ही नहीं कर पाएगा फिर, तो क्या फायदा? तो इसलिए आप टाइम पे कर दो, जब भी आप डाटा लोन लो तो उसे टाइम पे कर दो। तो ये जियो ने इसलिए निकाला, इमरजेंसी पे आप किसी के पास पैसे नहीं है रिचार्ज करने के लिए, वो शॉप पे नहीं जा सकता, नीचे दुकान पे नहीं जा सकता, या फिर उसके ऑनलाइन वॉलेट में पैसे नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, तो इमरजेंसी डाटा लोन वो ले पाए और अपना फास्ट इंटरनेट यूज कर पाए, तो कोई भी काम उसका रुके ना इस वजह से कि उसका डाटा खत्म हो गया हाई स्पीड, तो इसलिए ये जियो ने निकाला है। बाकी सर्विसेज देखिए जियो ने क्या क्या निकाली, आपकी हेल्थ के लिए निकाल दिया है, आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर को, आप लैब टेस्ट करवा सकते हो वहीं जियो से, सब कुछ माय जियो एप्लीकेशन लिस्टेड है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो आपके हेल्थ के लिए काफी चीजें निकाल दी है जियो ने, आपको जॉब्स करनी है आपकी जॉब्स के लिए निकाल दिए हैं कि आपको सरकारी जॉब्स चाहिए तो वहां पे जॉब्स का नीचे बना हुआ आता है पूरा कॉलम, आप वहां पे अपनी डिटेल्स फिल आउट करिए और आपको जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगी। जियो ने अपना पेमेंट बैंक निकाल दिया है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, ऐसे जियो का अपना पेमेंट बैंक आ गया, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो में बनाने वाला हूं, अगली वीडियो उसी के ऊपर आएगी, जियो पेमेंट बैंक के ऊपर बनाएंगे और आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा, फायदे नुकसान दोनों बताऊंगा। तो जियो क्लाउड आप यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस फोटोज और बाकी की चीजों को स्टोर करने के लिए, जैसे गूगल ड्राइव होता है वैसे जियो क्लाउड है। जियो ने आपको क्लाउड सर्विस भी दे रखी है कि आपके मोबाइल में स्टोरेज कम है, आप हमारे क्लाउड पे सिक्योर अपनी फोटोज डाल सकते हो और वो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ वहां पे पड़ी रहेंगी, आप जब मर्जी उन्हें एक्सेस कर सकते हो, आपके फोन में से डाटा कहीं नहीं जाएगा, आपके फोन में से अपलोड वहां पे आप कर सकते हो जैसे गूगल ड्राइव पे कर देते हो। इस वीडियो में जितनी भी मैंने सर्विसेज बताई जियो की, इसमें से कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जो आपको शायद पता हो और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब तक नहीं पता था इन सर्विसेज के बारे में, तो माय जियो ऐप को खोलिए और इन सभी सर्विसेज को यूज करना शुरू करिए। फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए और ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए @fixfarazahmed, यहां मुझे फॉलो करिए, DM करिए, सवाल पूछिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है मेरी तरफ से। कोई भी आपका सुझाव होता है आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट छोड़िए, अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए आप कमेंट में बताइए मुझे। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।